Hello children, in this video you will get to know what is natural language processing. Okay, so first we should know what is natural language. Natural language क्या होती है? Natural language वो language होती है जो हम use करते हैं. Fine, like English, Hindi. Okay, तो ये क्या है? हमारी natural language है. Okay, तो जब इसकी processing होती है उसको हम बोलते हैं natural language processing. So it is a sub field of linguistic. ये किसका part है? Linguistic. Linguistic क्या होता है? Scientific study of language, computer science and artificial intelligence. Okay. एंड इट इज कंसर्न विद द इंटरेक्शन बिटवीन द कंप्यूटर्स एंड द ह्यूमन लैंग्वेज. तो यहाँ पे जो इसका मेन जो फोकस है वो किस पर है? वो इस पर है कि कैसे हम नेचुरल लैंग्वेज में कंप्यूटर्स से इंटरेक्ट कर सके और कैसे कंप्यूटर उस इंटरेक्शन मतलब उसको समझ के उसको प्रोसेस कर सके. राइट, इन पर्टिकुलर हाउ टू प्रोग्राम कंप्यूटर्स. हम कंप्यूटर की कैसे प्रोग्रामिंग करें कि जिसकी हेल्प से वो नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस कर सके. ओके, और उसका नेचुरल लैंग्वेज को एनालाइज कर सके. फाइन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग गिव्स द मशीन द एबिलिटी टू रीड. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की हेल्प से क्या होता है? मशीन्स को ये एबिलिटी मिलती है कि वो नेचुरल लैंग्वेज को रीड कर सके, उसको अंडरस्टैंड कर सके एंड डिराइव मीनिंग फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज और ह्यूमन लैंग्वेज से मीनिंग निकाल सके. फाइन, जैसे हम कंप्यूटर्स में क्या है, डेटा अपनी लैंग्वेज में टाइप करते हैं. ओके, आप कंप्यूटर्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके फिर उस पर आउटपुट क्रिएट करता है. ओके, फिर अगेन वी विल गेट द आउटपुट इन आर ओन लैंग्वेज. राइट, क्या करेगा हम वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा. ओके, और जो भी आउटपुट आएगा अगेन उसको फिर हमारी नेचुरल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके वो हमें आउटपुट शो करता है. फाइन, नो, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ड्राइव्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट ट्रांसलेट टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर. तो नेचुरल लैंग्वेज की हेल्प से हमारे पास ऐसे प्रोग्राम्स हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं जो टेक्स्ट को ट्रांसलेट करते हैं एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में. फाइन, रिस्पॉन्ड टू स्पोकन कमांड्स. जो भी हम कमांड्स देते हैं बोलकर उसके लिए वो क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब हमारी कमांड्स को फॉलो करते हैं. फाइन, एंड समराइज लार्ज वॉल्यूम ऑफ टेक्स्ट रैपिडली. और बहुत जो हम उसको डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके, टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहे हैं या डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं उसको समराइज कर सके, मतलब उसमें से कुछ मीनिंग निकाल सके, उसकी समरी कर सके. फाइन, इवन इन द रियल टाइम. इवन इन द रियल टाइम मीन्स ये नहीं कि हमने डेटा प्रोवाइड कर दिया फिर मशीन को बहुत टाइम लगे उसको प्रोसेस करने में फिर रिजल्ट आए. नो, एज सून एज वी आर गिविंग द डेटा एज सून एज वी शुड गेट द रिजल्ट. जैसे हम डेटा दे रहे हैं वैसे ही हमारे पास क्या है, उस वो हमारा डेटा प्रोसेस हो और उसका रिजल्ट हमारे पास आ जाए. फाइन, There is a good chance you have interacted with natural language processing NLP in the form of voice operated GPS system. तो यहाँ पे देखो इसका एग्जाम्पल दिया है कि जब आप क्या करते हो, वॉइस ऑपरेटेड जीपीएस सिस्टम को वॉइस के थ्रू कमांड देते हो. ओके, तो क्या होता है, आपकी लैंग्वेज को समझ के वो आपको पूरा जो आपका रास्ता है, डायरेक्शन है, वो आपको क्या होता है शो करता है या बोल के बताता है. फाइन, डिजिटल असिस्टेंस आपकी लैंग्वेज को आपकी लैंग्वेज को प्रोसेस करके आपको रिस्पॉन्ड करते हैं. लाइक एलेक्सा है, आप उसको कुछ भी कमांड दोगे वो आपकी लैंग्वेज को समझेगा और अकॉर्डिंगली इट विल परफॉर्म द टास्क. फाइन, स्पीच टू टेक्स्ट डिक्टेशन सॉफ्टवेयर्स. बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो क्या करते हैं, आप कुछ भी बोलते हो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, आपकी लैंग्वेज को प्रोसेस करके टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं. कस्टमर सर्विस चैटबॉट्स. ओके, कस्टमर सर्विस चैटबॉट्स होते हैं जहाँ पे आप अपनी क्वेरीज क्या करते हो, या तो टाइप करके देते हो या बोल के देते हो, तो आपको आपका रिजल्ट मिलता है. एंड अदर कंज्यूमर कन्वीनियंसेस. फाइन, फॉर एग्जांपल इफ यू सेस एलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग. अगर आप कमांड देते हो एलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग. ओके, एंड द डिवाइस स्टार्ट प्लेइंग दैट म्यूजिक. तो वो क्या करते हैं, एलेक्सा आपकी जो भी आपने म्यूजिक दिया है, जो भी आपने बोला है, वो कमांड फॉलो करके उसको स्टार्ट कर देता है. राइट, तो यहाँ पे क्या है, उस डिवाइस ने आपकी लैंग्वेज को प्रोसेस किया, उसको समझा, फिर उसने रिजल्ट को शो किया. फाइन, द कम्प्लीट इंटरेक्शन वॉज मेड पॉसिबल बाय NLP. जो जितना भी इंटरेक्शन हुआ है वो किसकी हेल्प से हुआ है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की हेल्प से हुआ है. जब तक कि हमारी लैंग्वेज को प्रोसेस नहीं कर सकेगी मशीन तो वो कोई काम कर ही नहीं सकती. फाइन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मेक्स इट पॉसिबल फॉर कंप्यूटर्स टू रीड टेक्स्ट. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की हेल्प से कंप्यूटर क्या कर सकते हैं, जो भी लैंग्वेज में हम टेक्स्ट लिख रहे हैं उसको रीड कर सकते हैं, हमारी वॉइस को सुन सकते हैं, उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं,
सकते हैं, मतलब उसको कन्वर्ट कर सकते हैं मीजल सेंटिमेंट्स एंड डिटरमाइन विच पार्ट्स आर इम्पोर्टेंट। हमारे सेंटिमेंट्स को फॉलो कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि कौन सा पार्ट्स इम्पोर्टेंट है। ओके, जो भी डेटा हम प्रोवाइड करें, वर्बल डेटा या उसको टेक्स्चुअल डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो समझ सके कि किस पार्ट पे काम करना है, कैसे उसको रिएक्ट करना है। फाइन, नाउ वी हैव सम एप्लीकेशंस ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। हम यहाँ पे कुछ एरियाज दिखा शो करें जहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज किया जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेशन एप्लीकेशन सच एज गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट क्या करता है? गूगल्स फ्री इट इज अ गूगल्स फ्री सर्विस, ओके, डेट इंस्टेंटली ट्रांसलेट वर्ड्स, फ्रेसेस एंड वेब पेजेस बिटवीन इंग्लिश एंड ओवर 100 अदर लैंग्वेजेस। ये गूगल की फ्री सर्विस है जिसकी हेल्प से आप वर्ड्स को, फ्रेसेस को, कंप्लीट वेब पेजेस को ट्रांसलेट कर सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज से डिफरेंट लैंग्वेज में। मतलब ये 100 लैंग्वेजेस को कन्वर्ट कर सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है। फाइन, ओके, वर्ड प्रोसेसर सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड ग्रामरली दैट एम्प्लॉयज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टू चेक ग्रामेटिकल एक्यूरेसी ऑफ टेक्स्ट। तो यहाँ पे हमारे पास वर्ड प्रोसेसर है, ग्रामरली है, अगर आप उस पर कुछ भी टाइप करते हो तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपको वो शो कर देता है ग्रामेटिकल मिस्टेक, आपको शो कर देता है स्पेलिंग मिस्टेक शो कर देता है। तो वो कैसे हो रहा है, वो आपकी लैंग्वेज को प्रोसेस कर रहा है, जहाँ पे आपने रॉन्ग वर्ड्स का यूज किया है वहाँ पे वो क्या कर रहा है, आपको सही वर्ड्स दिखा रहा है। फाइन, इट इज मेकिंग यू एक्यूरेट एट द टाइम। फाइन, देन वी हैव इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स एप्लीकेशन यूज इन कॉल सेंटर्स टू रिस्पॉन्ड टू सर्टेन यूजर्स रिक्वेस्ट। ओके, अब हम क्या करते हैं, कोई हमारी क्वेरी है तो कॉल सेंटर्स में कॉल करते हैं, राइट? तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आपकी जो क्वेरीज होती है उसको कौन रिस्पॉन्ड करता है, उसको मशीन रिस्पॉन्ड करिए। आप अपने लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछते हो और वहां पे मशीन आपको रिस्पॉन्ड करती है, आपको चॉइसेस देती है, जैसे प्रेस वन, प्रेस टू, आप चॉइसेस पे क्लिक प्रेस नंबर्स प्रेस करते हो तो आपको नेक्स्ट चॉइस पे ले जाती है। तो यहाँ पे जो इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, ये कैसे काम करिए, ये आपकी लैंग्वेज को क्या करिए, प्रोसेस करिए, उससे कुछ मीनिंग निकालिए उसमें, और उस मीनिंग से वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। फाइन, देन वी हैव पर्सनल असिस्टेंट एप्लीकेशन सच एज ओके, गूगल, सीरी एंड एलेक्सा। दैट आई हैव टोल्ड यू जस्ट नाउ के जो पर्सनल असिस्टेंट होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी नेचुरल लैंग्वेज में कमांड्स लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, हमें रिजल्ट देते हैं। फाइन, ओके चिल्ड्रन, नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड्स, राइट? टिल देन कीप स्टडिंग, बी सेफ एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर यूजफुल वीडियोज। थैंक यू।